Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफाज जुलेखा किचन से। चलिए बनाते हैं आज बढ़िया सी मजेदार चटपटी सी डिश जिसका नाम है चीज चिकन स्लाइडर्स। बहुत ही मजेदार झटपट बनती है और हाँ, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। हाजिर मसाले घर पे जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है उनसे बन जाएगी और शाम को भी बना लीजिए, बहुत मजा आएगा खाने में। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए भरकर। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे पिघल जाने दीजिए। जब पिघल जाए तो 1 टेबलस्पून लहसुन को बारीक कटा हुआ डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आधे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए बड़ी साइज की। अब इसे भी फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तेल, तो मैंने इस बार तेल डाला। आप चाहे तो मक्खन डाल सकते हैं। अब इसे आप तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कीजिए ये प्याज को, सो दैट कच्ची पक्की हो जाएगी और हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। चलिए 3 मिनट हो जाती है प्याज को, तो यहाँ पर डाल दीजिए शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। मैंने हरी ली, आप चाहे तो तीनों भी कलर की ले सकते हैं, मिक्स करके डाल सकते हैं, और आप चाहे तो 3/4 कप भी डाल सकते हैं। मैंने 3/4 कप से थोड़ा ज्यादा डाला, 1 कप से थोड़ा कम डाला है। चूल्हा मीडियम आंच मैंने कर दिया और इसे तकरीबन आधे मिनट तक ही फ्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने बॉइल करी हुई चिकन 1/2 किलो डाली है। कुछ नहीं है, चिकन के अंदर मैंने पानी डाला था, नमक डाला था और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे पूरी तरीके से गला लिया था, पानी सुखा लिया था। जब अच्छी सूख गई तो मैंने उसको श्रेड कर लिया। चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और यहाँ पर नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा। 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ कश्मीरी लाल वाला कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो पपरिका पाउडर डाल सकते हैं, स्मोकी वाला भी डाल सकते हैं, पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और 1/2 छोटा चम्मच मैं मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऑरेगानो भी डाल सकते हैं। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे मिक्स करते चलाते हुए इसे तकरीबन समझे ना 2-3 मिनट तक आप इसे पका लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा सो दैट नीचे चिटक ना जाए ना। 2-3 मिनट हो जाए तो 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए, चला लीजिए और बार बार चलाते हुए इसे फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। और अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 5-5.5 टेबलस्पून मायोनीज और वो डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रहने दीजिए। मैंने 1-2 टेबलस्पून मक्खन को थोड़ा सा पिघला लिया, एक प्याली में डाल दीजिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालकर मिक्स कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब 6 ब्रेड लीजिए, बीच में से काट लीजिए इस तरीके से। अच्छा, मैं 4 अलग रख रही हूँ और 2 अलग रख रही हूँ, आप 6 और 6 एक साथ काट सकते हैं ऊपर से। अच्छा, अब सबसे पहले तो नीचे बेस पर आप टमाटर सॉस लगा दीजिए और इसे चारों ओर फैला दीजिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 2 अलग अलग इसके लिए किए हैं कि मैं यहाँ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, वो जो 4 थे ना उसके ऊपर। इसके लिए मैंने ये 4 अलग रखे और 6 अलग रखे, बट आप चाहें तो 6 और 6 पे डाल सकते हैं। वो 2 मैं मेरे बच्चे को दे रही हूँ, इसके लिए सिर्फ मैंने उस दोनों पर टमाटर सॉस रहने दिया। अच्छा, अब आप इसके ऊपर खूब सारी मोजरेला चीज़ डाल दें। मेरे पास मोजरेला नहीं थी, मेरे पास मिक्स थी तो मैं वो डाल रही हूँ। चारों ओर फैला दीजिए ब्रेड के ऊपर इस तरीके से। अभी जो मिक्सचर रखा हुआ है इसको आधा पूरा इसके ऊपर डाल दीजिए 6 ब्रेड के ऊपर और चारों ओर फैला दीजिए हमारे 6 ब्रेड के ऊपर। जब बहुत अच्छे से फैला दें आप इस तरीके से, उसके बाद चीज स्लाइसेस रख दीजिए एक एक करके इसके ऊपर और पूरी तरीके से ये जो हमारा ब्रेड है ना पूरी तरीके से स्लाइसेस से भर जाना चाहिए, इस तरीके से रखिए। अब बाकी का बचा हुआ आधा ब्रेड है इसके ऊपर डाल दीजिए और जो हमने मक्खन वाला जो मिक्सचर बना के रखा था साइड पर रखा है वो चारों ओर ये ब्रेड के ऊपर लगा दीजिए बढ़िया से मज़ेदार से। और इसे अब 2 तरीके, आप चाहें तो फ्राई पैन में ग्रिल कर सकते हैं या फिर आप इसे अवन के अंदर भी सेक सकते हैं। अवन के लिए 6-7 मिनट प्री हीटेड अवन के अंदर इन्हें ग्रिल कर लीजिए 180 डिग्रीज पे। मैं यहाँ फ्राई पैन के अंदर कर रही हूँ तो चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, हल्का मक्खन लगा के चारों ओर फैला दीजिए। जब चारों ओर फैला दें तो ये जो ब्रेड है ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर इसमें डाल देती हूँ और इसको है ना चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढक दीजिए
और ढककर मैं टोटल मिनट ना 5 मिनट इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो 5 मिनट के अंदर है ना, तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट हो जाते हैं ना, तो इसे खोल लीजिए और इसे पलट दीजिए इस तरीके से, और ढक कर बाकी के 1.5 मिनट उसे उस साइड पर पकने दीजिए। तो ये जो हमने लगाया है मक्खन, तो ये भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि आप अवन में करोगे तो वो तो ग्रिल हो जाएगा अच्छे से चारों ओर से ऊपर से भी, लेकिन इसमें तो हमें उलट पलट करना पड़ेगा ना एक बार। चलिए 1.5 मिनट हो जाए तो फिर से इसे पलट दीजिए। तो टोटल 5 मिनट हमने इसे पका लिया प्रॉपरली। चूल्हा मैंने कर दिया बंद फिलहाल के लिए, और इसके ऊपर हल्का सा मैं मक्खन लगा रही हूँ। अच्छा, अब आपको ये है कि मैं 4 ब्रेड इजीली उलट पलट नहीं कर पाऊंगी, सही बात है, हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, दो दो ब्रेड को भी कर सकती है। देखिए मैंने बाकी के दूसरे वाले को इस तरीके से, तो दो तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, और आप चाहें तो 6 और 6 को एक साथ करना चाहते हैं तो आप 6 और 6 को पलट उलट पलट करते जाएं। तो चलिए अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी हरा धनिया में डाल देती हूँ, और ये देखिए बन गया हमारा मजेदार सा चीजी चिकन स्लाइडर्स, है ना बढ़िया, एकदम डिलीशियस। ये देखिए मैं आपको एक निकाल कर भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने कहा मैंने ब्लेंडेड वाला इस्तेमाल किया है, आप सिर्फ मोजरेला इस्तेमाल करोगे तो वो एकदम वैसा, वो जो स्ट्रिंग्स वाला है वैसा निकलेगा। तो ये देखिए है ना मज़ेदार। अच्छा, चीज़ चिकन स्लाइडर का एक और वर्जन मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है, वो भी आप चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अच्छा, अवन के अंदर आपको लगे कि 6-7 मिनट अगर मेल्ट नहीं हुआ है तो आप 2-4 मिनट और रख सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि मेल्ट हो जाना चाहिए चीज़, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा टाइमिंग अवन का। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाली रेसिपी के वीडियो के लिंक को फॉरवर्ड किए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो आपको अगर ये रेसिपी तो लाइक भी कर दीजिए जल्दी जल्दी ये वीडियो को, और शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।